हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ मेरी नानी के घर। मेरी अम्मी और मेरे भैया जा रहे हैं, तो मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। मेरी अम्मी रेडी भी नहीं हुई है। कहीं भी मतलब जाना होता है ना, तो मैं बहुत जल्दी ही रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने में टाइम नहीं लगता है, तो मैं रेडी होकर बैठी हूँ। मेरी अम्मी रेडी होगी, फिर हम निकलेंगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नानी के घर जाकर ही। हम बाइक पे जा रहे हैं मेरे भैया के साथ। मेरी अम्मी भी पीछे बैठी है बस, और थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बताया था मैंने आप लोगों को, थोड़ा सा दूर है, पहुँचने ही वाले हैं बस। और देखिए, जाते साथ ही हमें क्या देखने को मिल गया, इनकी जंग में हम भी शामिल हो गए। तो गाइज, मैं मेरे नानी के घर पहुंच चुकी हूं, और पहुंचते पहुंचते आप लोगों ने देख ही लिया, यहाँ मेरे मामा के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो लोग हैं, खूब मस्ती, वो लोग हैं तो मज़ा आता है, वरना मेरे नानी के घर मज़ा नहीं आता है, मुझे दिल नहीं लगता है। मैं बहुत मजबूरी में आती हूँ यहाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे आज आना पड़ा क्योंकि मेरी मामा की शादी होने वाली है, तो वही कुछ फंक्शन चल रहा है। और ये देखिए, मेरी नानी को कोई वीडियो नहीं। प्यारी सी बहन आलिया, मेरी खाला की बेटी है ये, आलिया नाम है, बोलो आलिया। मेरी बहन आलिया जो है वो आप लोगों को कुछ कहना चाहती है। हाय गाइस, तो आप मेरे आप को लाइक से सब्सक्राइब प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में जरूर। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बहन तुम्हारा। तो ये बोल रही है कि मेरी आपी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब कुछ कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। लीना हाय बोलो, लीना हाय लीना, तो इसका नाम है अली। ये हमारे नानी के घर की सबसे छोटी लड़की है, सबसे छोटी बच्ची है ये। बोल हाय, हाय कर, हाय। तो ये तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, क्या कर रही है मेरी आपी। हाँ बोल बो, हाय कर, हाय हाय। तो दोस्तों, मेरे मामा की शादी नहीं होने वाली है, अभी रिश्ता फिक्स हुआ है। तो रिश्ता मतलब डेट लेने जब जाते हैं तो मिठाई, लड्डू और कुछ फल लेके जाते हैं, तो वही सब है, अभी जा रहे हैं सब डेट लेने। तो जैसे कि डेट लेके आ भी चुके हैं, और ये लड़की वालों की तरफ से संदेश आया है। लड़की वालों का थोड़ा ज़्यादा संदेश आता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब लड़कों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आता है। अभी अब देख सकते हैं कितना सारा संदेश है, पराठा वगैरह है, खीर है, पुलाव है, और भी जो होता है आप देख लीजिए। अभी ये देखिए, इधर है कुछ, इधर पता नहीं क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आंगन में बैठी हूँ, धूप ताप रही हूँ। गांव में आंगन होता है, तो हम आंगन में बैठे हैं मेरी दो छोटी बहनों के साथ। मैं आप लोगों को उनको भी दिखाती हूँ, दोनों आपस में खेल रही है, देख सकते हैं आप लोग।